हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2018 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट बी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द तो कोशी प्रॉब्लम टू यू एक्स प्लस थ्री यू वाई इक्वल टू फाइव यू इक्वल टू वन ऑन द लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो हैज़ एक्सैक्टली वन सॉल्यूशन एक्जैक्टली टू सोल्यूशंस इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस या फिर नो सोल्यूशंस देखिए इसका सोल्यूशन देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास इस फॉर्म में दी हुई हो पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इन्फाइनाइट सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन कब होता है जब ये दोनों वैल्यू इक्वल ना हो नो no सोल्यूशन होता है जब पी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू डी वाई नॉट अपॉन डी टी ये इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू आर अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी टी एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जब इन तीनों की वैल्यू इक्वल हो ठीक है अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है टू इंटू यू एक्स प्लस थ्री इंटू यू वाई इक्वल टू फाइव इसी फॉर्म में दी हुई है पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर ठीक है यहाँ पे p की वैल्यू टू q की वैल्यू थ्री एंड r की वैल्यू फाइव एंड u इक्वल टू वन ऑन द लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो अब देखो कोशी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे इनिशियल कंडीशन कैसे लिखेंगे लेट x इक्वल टू टी जब x इक्वल टू टी कंसिडर कर रहे हैं देन यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा थ्री अपॉन टू इन टू टी एंड यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है वन दी हुई है तो इस लाइन पे यू की वैल्यू तो टी दी सॉरी यू की वैल्यू तो वन दी हुई है एक्स को हमने टी कंसिडर किया देन वाई की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन टू इंटू टी देन इनिशियल कंडीशन हो जाएगी टी थ्री बाई टू इंटू टी एंड वन अब हमें इन तीनों की वैल्यूज फाइन करनी है ठीक है अगर ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल हुई जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल हुई पी अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी देन यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन के केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल बट नॉट इक्वल टू आर अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी टी एंड अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो तब इनफाइनाइट सोल्यूशन हम क्या करेंगे इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे हमारे पास यू के फॉर्म में दी हुई इक्वेशन देन हम यू नोट ले लेंगे यहाँ पे यू नोट टी तो देखो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास पी इक्वल टू टू तो यहाँ पर टू रखेंगे क्यू की वैल्यू थ्री यहाँ पर थ्री, थ्री आर की वैल्यू फाइव यहाँ फाइव डी एक्स नॉट अपॉन डी टी एक्स नॉट क्या है हमारे पास टी तो डी एक्स नॉट अपॉन डिटी वन हो जाएगा इसी तरह से डी वाई नोट अपॉन डिटी क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू एंड डी यू नॉट अपॉन डिटी क्या हो जाएगा जीरो तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी अब देखो ये टू और यहाँ से भी हमें टू मिलेगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल बट नॉट इक्वल टू फाइव अपॉन ज़ीरो और ये कैसी कंडीशन बन गई नो सॉल्यूशन की अभी हमने देखा था यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल बट नॉट इक्वल टू आर अपॉन डी जेड नोट अपॉन डी टी तो हमारे पास यही कंडीशन बन रही है ये दोनों वैल्यू इक्वल है बट नॉट इक्वल टू आर अपॉन डी यू नोट अपॉन डी टी देन कोशिप प्रॉब्लम है नो सोल्यूशन अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है नो सॉल्यूशन देन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इन बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट यू बी द यूनिक सोल्यूशन ऑफ डेल टू यू अपन डेल टी स्क्वायेर माइनस डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स जीरो मतलब डेल यू अपॉन डेल टी एक्स जीरो इक्वल टू जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर वीर एफ आर टू आर सेटिस्फाई द रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन एंड एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन यू वन बाई टू फाइव अपॉन फोर इज इक्वल टू वन बाई एट वन बाई सिक्सटीन थ्री अपॉन सिक्सटीन या फिर फाइव अपॉन सिक्सटीन देखिए सॉल्यूशन देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है डेल टू यू अपन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये वेव इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे सी की वैल्यू क्या है वन है वेव इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है डेल टू वाई अपॉन या फिर यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू डेल टी ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है वन है ठीक है यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स जीरो ये वैल्यू जो होती है ये जी एक्स इक्वल होती है तो यहाँ पे यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जीरो इसका मतलब जी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो है एंड ये कंडीशन दी हुई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन देखिए जो डी लंबर्ड सॉल्यूशन होता है वेव इक्वेशन के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है यू एक्स टी इक्वल टू वन बाई टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन अपॉन्ट टू इंटू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी थीटा डी थीटा अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे देखिए सी की वैल्यू हमारे पास वन है तो सी की जगह वन रख देंगे जी एक्स इक्वल टू जीरो है देन जी थीटा भी जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई तो हमारे पास यू एक्स टी क्या आया यू एक्स टी इक्वल टू वन बाई टू एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स माइनस टी ठीक है हमें वैल्यू फाइन करनी है वन बाई टू एंड फाइव बाई फोर पे तो मतलब एक्स की जगह वन बाई टू रखना है एंड टी की जगह फाइव बाई फोर रखना है तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एफ वन बाई टू प्लस फाइव अपॉइन्ट फोर प्लस एफ वन बाई टू माइनस फाइव अपॉन्ट फोर ठीक है देखिए ये दोनों वैल्यू सॉल्व की आ जाएगी जैसे यहाँ पे आ जाएगा एफ़ सेवन अपॉइन फोर और यहाँ से ये सॉल्व की आ जाएगी माइनस थ्री अपॉइंट फोर इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस थ्री अपॉइंट फोर ठीक है और देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वन माइनस थ्री अपॉन फोर क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन हम माइनस थ्री अपॉन फोर को क्या लिख सकते हैं सॉरी एफ माइनस थ्री अपॉन फोर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन सॉरी एफ माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं इसी कंडीशन से फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन तो इसे लिख सकते हैं हम एफ थ्री बाई फोर और यहाँ से इसे क्या लिखेंगे हम एफ वन बाई फोर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वन बाई फोर मिलेगा तो इसे हम लिख सकते हैं एफ वन बाई फोर अब देखिए एफ थ्री बाई फोर और एफ वन बाई फोर क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है देखिए यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो की वैल्यू थ्री बाई फोर तो एक्स इंटू वन माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर इंटू वन माइनस वन बाई फोर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन सिक्सटीन अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है थ्री अपॉन सिक्सटीन देन ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे